तो देखो गाइज, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो 2024 के अंदर S21 FE लेने की या S23 लेने की, तो आज के इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स हैं जो वो उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर आप 2024 में ये स्मार्टफोन लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के बिल्ड एंड डिजाइन की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में S23। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास फ्रंट में मिलता है, बैक में ग्लास मिलता है, यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं पर बात करें S21 FE की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट में ही ग्लास मिलता है गोरिल्ला का, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक देखने को मिलेगा। अब वो ब्लैक पैनल है तो वो यहाँ पर इतना कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, कलर्स भी अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक फोन है तो आप देख रहे हैं काफी अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेम जो है दोस्तों वो आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोनों के स्मार्टफोन की डिस्प्ले की दोस्तों। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको डायनेमिक 2X वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जहां पर दोनों ही डिवाइस के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक आपको डिफरेंस मिलेगा इंचेस का। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज है वो 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है S21 FE का, वहीं पर S23 के अंदर आपको मिलता है 6.1 इंच का। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको फुल HD रिजोल्यूशन मिलता है, जहां पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहते हैं, डिस्प्ले स्क्रॉलिंग वाइज काफी स्मूथनेस रहती है, और साथ ही में अगर आप गेमर भी हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस जो है गेमिंग का काफी जबरदस्त रहता है इन डिस्प्लेस के साथ में। लेकिन वहीं पर दो चीजें और यहां पर देखने वाली बात है दोस्तों कि अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें S23 की, तो यहां पर दोस्तों आपको 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं पर S21 FE की आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको दोस्तों ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले तो ऑप्शन मिलेगा ही, साथ में डिस्प्ले के साथ में आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिलेगा, जहां पर आपको कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से क्रिस्प क्वालिटी निकल के आएगी और काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं हम दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर की दोस्तों। तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज चिपसेट वाइज दोनों चेंज है। यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलता है S21 FE के अंदर, जो कि पावरफुल चिपसेट है, वहीं पर आपको S23 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको दोस्तों ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन S23 के अंदर आपको दोस्तों ई सिम का सपोर्ट भी मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आप इजीली 5G एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर आपको S23 में मिलता है क्योंकि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है दोस्तों, तो यहां पर आपको ई सिम का सपोर्ट भी मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों एक चीज और अच्छी मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो कि कॉमन है, वो है IP रेटिंग। जी हां, IP68 की रेटिंग मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, जहां पर ये दोनों स्मार्टफोन वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट बन जाते हैं। अब यहां पर मेन चीज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको OS अपडेट्स कितने मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए S21 FE के अंदर आपको 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, सेम चीज अप्लाई होती है S23 के साथ में। अब जैसा कि आपको पता है S21 FE काफी पुराना फोन है, तो यहां पर आप मान के चलिए कि आपको Android 15 से लेकर लास्ट Android 16 तक एक अपडेट और मिलेगा। S21 FE की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप 2024 में खरीदते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम S23 की, तो यहां पर ये Android 13 पे आया था, तो जाकर ये लास्ट आपको Android 17 तक इसका आपको देखने को मिल सकता है अपडेट। साथ ही में दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको One UI 6.1 का सपोर्ट मिलता है और AI के फुल फीचर्स मिलते हैं। S23 के अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने S21 FE के बारे में सुना है कि सारे फीचर्स उसके अंदर AI के नहीं मिलते, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि Samsung ने एटलीस्ट अपने पुराने वाले वेरिएंट्स के अंदर ये फैसिलिटी और ये फीचर दिया है, तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इंटरनेट पे जाकर आप अच्छे से क्वेरी कर सकते हैं कि आपको कितने ज्यादा और भी अच्छे यहाँ पर OS अपडेट्स मिलने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। बाकी रैम एंड स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो आपको S21 FE के अंदर 6GB 8GB वाली रैम भी मिल जाती है, लेकिन वहीं आपको S23 के अंदर 8GB की रैम स्टार्ट होती दिखाई देती है, जहां पर आपको 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा, 256GB वाला वेरिएंट भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप मिलता है S23 के अंदर, वहीं S21 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको UFS 3.1 ही मिलेगा। तो रीड एंड राइट की जो स्पीड वगैरह है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर काफी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे कैमरा कंपार्टमेंट से दोस्तों। तो S21 FE के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर मेन सेंसर आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। वहीं पे बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब वहीं बात कर लेते हैं S23 के कैमरा की, तो बैक साइड में दोस्तों आपको यहां पे 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है, साथ ही में OIS का फीचर मिलेगा,
यहां पर आपको 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। वहीं पर आपको यहां पर दोस्तों 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब मजे की बात दोस्तों ये है कि S21 FE के अंदर आप बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं फ्रंट कैमरे से भी आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन S23 के अंदर आप दोस्तों बैक कैमरे से 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं फ्रंट कैमरे से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी साउंड वगैरह की बात किया है दोस्तों, तो यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, तो साउंड भी काफी अच्छी मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन्स की। बस यहां पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिसिंग है, तो यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स का देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में यहां पर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात किया है दोस्तों, तो यहां पर आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा S21 के अंदर और S23 के अंदर मिलेगा 5.3, तो कनेक्टिविटी दोनों की इंस्टेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्जन पुराना है। बाकी उसके अलावा आपको यहां पे NFC का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, और यहां पर आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है S21 FE के अंदर, जो कि OTG सपोर्टेबल है। लेकिन यहां पर आपको S23 के अंदर USB Type-C 3.2 सपोर्ट वाला पोर्ट मिलता है, जो कि OTG सपोर्टेबल है और एडवांस और लेटेस्ट वर्जन वाला फास्टेस्ट USB Type-C पोर्ट है। तो ये एक डिफरेंस आपको दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिलेगा। तो बट ऑफिस वाली बात है दोस्तों कि 2022 के अंदर S21 FE को लॉन्च किया गया, तो काफी पुराना स्मार्टफोन हो गया, 3-4 साल पुराना स्मार्टफोन हो गया दोस्तों, तो फर्क तो आपको यहां पर वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा ही। बाकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से बात किया दोस्तों, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस लॉकिंग ऑप्शन, साथ में पैटर्न लॉक का फीचर भी मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सैमसंग डेक्स का फीचर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है सैमसंग स्मार्टफोन्स यूजर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे बैटरी बैकअप की। तो देखिए S21 FE के अंदर दोस्तों आपको 4500mAh की फुल बैटरी मिलती है, जहां पर वो जो डिवाइस है वो कम से कम 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहीं पर बात कर लेते हैं S23 की, तो यहां पर आपको 3900mAh की फुल बैटरी मिलती है, जहां पर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दोस्तों आपको वायरलेस एंड रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है दोस्तों और चार्जिंग के ऑप्शन भी काफी अमेजिंग मिल जाते हैं। तो गाइज ये हमने सारी बातें की, जो कि अमेजिंग अमेजिंग चीजें हमको देखने को मिल जाती है। खेल अब शुरू होता है दोस्तों कि एक्चुअली में हमें क्या माइनस पॉइंट देखने को मिल सकता है S21 और S23 के अंदर। ठीक है, तो S21 FE जो स्मार्टफोन है दोस्तों, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलता है, राइट, और S23 के अंदर दोस्तों आपको 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है दोस्तों। बैटरी बैकअप जो है वो S21 FE के अंदर ज़्यादा मिलता है S23 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है S21 FE काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे वो तकरीबन 28,000 के रुपए के करीब भी बिका है BVD सेल के अंदर, और विदाउट सेल भी अगर आज के डेट पे आप लेने जाते हैं तो आपको और भी रेट में कम देखने को मिल सकता है। इवन और जो सेल आने वाली उनमें भी आपको वो 24 से 26,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन चीज़ों की, कि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हीटिंग की और बैटरी ड्रेनेज का इशू कैसा है दोस्तों। तो देखिए दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले के साथ में आते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैमरास के साथ में आते हैं, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन से दोनों, तो यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता। मुद्दा है हीटिंग का, तो क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 888 यानी कि S21 FE के अंदर आपको हीटिंग देखने को मिलेगी ज़्यादा। ठीक है, साथ में हीटिंग ज़्यादा है तो प्रोसेसिंग भी ज़्यादा हो रही है, साथ में यहाँ पर आपकी बैटरी ड्रेनेज का इशू भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक भी जितना भी फीडबैक मैंने देखा है S21 FE का जो बैटरी ड्रेनेज और हीटिंग का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। वहीं पर S23 की बात किया दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी इम्प्रोविजन किया गया है और ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त पावरफुल कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बन गया है वर्ल्ड का S23। यहाँ पर आपको बैटरी भी अच्छी मिलती है, जबकि इसके अंदर 3900mAh की बैटरी है, और हीटिंग भी लोकेशन वाइज हिसाब से यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, तो यहाँ पर गर्मी है तो हीट ये उस टाइम पे करता है, लेकिन इतना नहीं करता एज कम्पेयर टू S22 और S21 के। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 2024 में आपके बजट के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स में से आप कोई भी एक में स्मार्टफोन लेते हैं, तो आपको इन बातों को यहाँ पर ध्यान देना है। मेरी नज़र में S23 एक कॉम्पैक्ट और परफेक्ट स्मार्टफोन है दोस्तों। अगर आपका बजट है 42-48,000 के बीच में जाने का, तो S23 मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। और वहीं अगर आपका बजट नहीं है और अगर आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए और थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हीटिंग और बैटरी ड्रेनेज के साथ में, तो आप S21 FE भी ले सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बस फर्क सिर्फ हीटिंग और ड्रेनेज का आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। सो गाइज ओवरऑल ये सारी स्टोरी है S21 FE वर्सेज S23 की। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। उसी के साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।